नमस्कार, मैं हूं विभा पांडे और आप देख रहे हैं अमरजाला.com। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई के फिल्म काली के पोस्टर को लेकर देश भर में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा फिर विवादों में घिरती हुई दिख रही हैं। सांसद महुआ मोइत्रा बीजेपी पर भड़क चुकी हैं। ट्वीट के जरिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया वॉर छिड़ी हुई है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई ने कुछ दिन पहले ट्विटर पर अपनी फिल्म का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही मां काली के हाथ में एलजीबीटी समुदाय का झंडा भी दिखाया गया था। इस पोस्टर को शेयर करने के बाद देश भर में हिंदू समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर जब विवाद हुआ तो महुआ मोइत्रा ने लीना का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि काली शराब पीने और मांस खाने वाली देवी हैं। महुआ मोइत्रा के इस आपत्तिजनक विवाद को लेकर कई जगहों पर FIR भी दर्ज हो चुके हैं। उन पर मां काली का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। आपत्तिजनक विवाद को लेकर ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी IT सेल के हेड ने महुआ मोइत्रा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, जिसके बाद मोइत्रा बीजेपी पर भड़क चुकी हैं। दरअसल बीजेपी के IT सेल के हेड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और लिखा कि CBI ने हंस खाली रेप और नाबालिग की हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ममता बनर्जी ने लड़की के चरित्र पर सवाल उठाया था क्योंकि बलात्कारी TMC से था। उसने महिलाओं को वस्तुओं के रूप में देखा, द्रौपदी की उम्मीदवारी का विरोध किया, साथ ही मां काली के अपमान का बचाव किया। अमित मालवी ने ट्वीट कर ये लिखा था, ममता बनर्जी की सार्वजनिक फटकार के बाद भी होशियारी दिखाकर TMC सांसद मां काली के मुद्दे पर बार बार अवज्ञा का इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें अपमानित करने के लिए। वो ये जानती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न करने के लिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। जिसके बाद महुआ मोइत्रा बीजेपी पर भड़क चुकी हैं। जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह देंगे कि वे अपने आकाओं से उन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करने के लिए कहें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया और अब माँ सीने पर पैर रखेंगी। तो वही महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। रविवार को जब पीएम मोदी ने स्वामी आत्मस्थानानंद जन्म शताब्दी के मौके पर संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, मुझे याद है जब बलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो या दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो तो स्वाभाविक है कि एक लगाव बन जाता था। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है, यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है, यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य, मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीमित असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर
आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ट्विटर पर छिड़ी हुई जंग को लेकर ममता बनर्जी ने इशारों इशारों में ही महुआ को नसीहत दी है। ममता बनर्जी ने काली पोस्टर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर माफी मांगने के लिए कहा है। महुआ मोइत्रा का नाम लिए बिना ही ममता बनर्जी ने ये कहा है कि हम जब काम करते हैं तो गलतियां भी करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारा भी जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।